यूएसए में शो करने से पहले मंच पर पवनदीप और अनीता का स्पेशल स्वागत किया गया। उसके बाद शो खत्म होने के बाद इनकी विदाई के वक्त भी इनका सम्मान किया गया। जब इन्हें मंच पर सम्मान के लिए बुलाया जा रहा था तभी पवनदीप के साथ कुछ ऐसा हुआ कि वो ना ही कुछ बोल पा रहे थे और ना ही शांत बैठ पा रहे थे। और जो पवनदीप के साथ हो रहा था वो अरुणीता को पता चलता जा रहा था। कहते हैं ना कि पवनदीप अरुणीता दो जिस्म एक जान है। अगर पवनदीप के साथ कुछ होता है तो अरुणीता को पता चल जाता है, और अरुणीता के साथ कुछ भी हो रहा होता है तो पवनदीप को भी पता चल जाता है। और आज हम आपको इसका सबसे बड़ा सबूत भी दिखाते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपको याद दिला दें नीतू की पलटन का नया ब्लॉग आ चुका है। वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है, जल्दी से जाकर चेकआउट करें। सपोर्ट के लिए लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें। तो टंपा के मंच पर पवनदीप अरुणीता खड़े दिखाई दे रहे हैं। इनके साथ शो के मैनेजर और काफी सारे लोग भी हैं। एंकर पवनदीप अरुणीता को सम्मान के लिए आगे बुलाते हैं, उनका नाम अनाउंस करते हैं, और जब पवन मंच पर पहुंचते हैं तो मंच पर इतने सारे लोग होते हैं कि इन्होंने जो सर्कल शेप बनाया हुआ होता है उसमें कुछ लोग शामिल नहीं हो पाते क्योंकि भीड़ काफी होती है। पवन सबको देखते हुए और अपनी अरुणीता को देखते हुए उस सर्कल से निकल कर पीछे की तरफ चले जाते हैं ताकि अरुणीता वहां पर ठीक से खड़ी हो सके। पवनदीप फिर देखते हैं कि जगह हो गई है और वो फिर से आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं और अरुणीता के पास खड़े होने की कोशिश करते हैं, लेकिन फिर से उन्हें जगह नहीं मिलती और वो पीछे चले जाते हैं। वहां पर खड़े होकर सब कुछ देख रहे होते हैं। अरुणीता की नजर उन पर नहीं जा पाती है क्योंकि उन्हें ऐसा लग रहा था कि पवनदीप उनके पास ही खड़े हैं। जब अरुणीता पवनदीप का हाथ पकड़ने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाती है तो देखती है कि पवनदीप वहां होते ही नहीं है। अरुणीता फौरन पवनदीप के लिए स्पेस करती है और कहती है कि तुम वहां क्या कर रहे हो, मेरे पास आओ। अरुणीता के बोलते ही पवन एक झटके में उनके पास आकर खड़े हो जाते हैं। मतलब पवनदीप का ये क्यूट अंदाज बहुत पसंद किया जाता है। ऐसा लग रहा कि पवनदीप अरुणीता के इंतजार में ही खड़े थे। इतनी कम उम्र में पवनदीप वाकई बहुत समझदार है और टैलेंट तो कूट कूट कर भरा है। आप क्या सोच रहे हैं पवनदीप के बारे में, कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। तो अरुणीता कांची लाल ने धमाकेदार वीडियो शेयर कर दिया टंपा से। अब अरुणीता सोशल मीडिया पर एक्टिव रहने लगी हैं और अपने हर एक इवेंट की वीडियो शेयर करने लगी हैं अपने फैंस के लिए। और लेटेस्ट वीडियो की बात करें तो अरुणीता व्हाइट ड्रेस पहनकर मिरर के आगे मटकती दिख रही हैं, नाचती दिख रही हैं और वीडियो बनाती दिख रही हैं, पोज देती दिख रही हैं, पवनदीप को मिस कर रही हैं। काश इस फोटो में वीडियो में पवनदीप होते तो बात कुछ और होती। पवनदीप अरुणीता उस वक्त एक ही रूम में थे, इसलिए एक फोटो में पवनदीप अरुणीता की कुछ खास चीज नोटिस की गई है जिसे आप नजरअंदाज नहीं कर सकते। अरुणीता की चीज पवनदीप के पास देखी गई, यानी पवनदीप अरुणीता एक ही रूम में थे इसलिए वो चीज अरुणीता के पास पहुंची। वो क्या खास चीज है हम आपको नेक्स्ट वीडियो में दिखाते हैं। तब तक के लिए आपको अरुणीता की वीडियो कैसी लगी कॉमेंट बॉक्स में मेंशन जरूर करें। तो फैंस अरुणीता कांचीलाल कुछ दिनों से वैसे ही ट्रोलर से परेशान थी। अक्सर अरुणीता की कुछ फोटोज को लोगों से जोड़कर उनके लिए गलत बातें कही जा रही थी। अरुणीता इन सब चीजों से पहले ही डिस्टर्ब थी कि अब नीत ने उन्हें कहीं का नहीं छोड़ा। अरुणीता की एयरपोर्ट वाली वीडियो ने सबको डरा दिया। उस वीडियो में अरुणीता कांचीलाल की हालत देखकर सब घबरा गए क्योंकि अरुणीता बहुत उदास, निराश और थकी लग रही हैं। ऐसा लग रहा है कि अरुणीता की नींद काफी दिनों से पूरी नहीं हुई है और वो एयरपोर्ट पर कई बार नींद की वजह से इधर उधर गिरती दिखाई दी। ऐसा लग रहा है कि अरुणीता पर नींद का नशा सवार है। वो नींद की वजह से एक मिनट भी चेयर पर बैठ नहीं पा रही थी और बार बार वो अपने सिर की टेक लगा रही थी। पवनदीप अरुणीता और इनकी पूरी टीम रात भर परफॉर्मेंस देने के बाद तुरंत नेक्स्ट टूर के लिए रात को ही निकल गए थे। ऐसे में थकाई तो होगी और थकाई की वजह से अरुणीता की हालत खराब होती जा रही है। अरुणीता थकाई की वजह से ना ही कुछ खा पा रही है और ना ही पी रही है। अब प्लेन में ही उन्हें थोड़ा बहुत वक्त मिलेगा जिसमें वो रेस्ट कर सकती हैं, क्योंकि अगर रेस्ट नहीं करेंगी तो आज की परफॉर्मेंस भी अरुणीता के लिए मुश्किल हो जाएगी। आज अरुणीता की टंपा में परफॉर्मेंस है, ऐसे में अरुणीता का रेस्ट करना बहुत जरूरी है। अरुणीता की ऐसी बेहोशी वाली हालत देखकर उनके घर वाले भी बहुत घबरा रहे हैं और बार बार उन्हें कॉल करके उनका हाल चाल पूछ रहे हैं। आप इस पूरे मामले पर अरुणीता को क्या एडवाइस देना चाहेंगे कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। तो पवनदीप की परफॉर्मेंस को सामने से देखने के लिए अरुणीता चेयर पर बैठ जाती हैं, बिल्कुल पवनदीप के सामने उन्हें देखती रहती हैं, उनसे नजरें हटाती नहीं है। अरुणीता मुस्कुरा रही हैं और पवन केशरिया तेरा इश्क पिया गाना गा रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि पवनदीप अरुणीता को देखते ही उनके लिए स्पेशली गाना गा रहे हैं और पवनदीप भी अरुणीता को देखकर स्टेज से मुस्कुरा रहे हैं। उनकी हंसी बता रही है कि अरुणीता पर ही उनका ध्यान है, उनकी नजरें, और अरुणीता के लिए ही ये उन्होंने गाना गाया है।
है। पवनदीप भी व्हाइट कोट पर उत्तराखंड की कैप लगाकर परफॉर्मेंस देते नजर आए थे। मतलब दोनों ने अपने शहर अपने देश का नाम रोशन किया है। दोनों बहुत क्यूट लग रहे हैं और जबरदस्त गाने गाते हैं। एक से एक बिंदास गाने गाकर जनता का दिल खुश कर देते हैं। जनता भी इनकी परफॉर्मेंस पर खूब नाचती गाती नजर आती है। आपको पवनदीप अनिता की जोड़ी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। दिवाली के मौके पर पवन अरुणिता इंडियन आइडल पहुंचे, फिर सबके सामने पवन अरुणिता की लव स्टोरी का खुलासा हुआ। शायद आपको समझने में देरी लगी होगी, लेकिन पवन अरुणिता के फैंस बहुत अच्छी तरह से समझ गए हैं कि इंडियन आइडल 13 के सेट पर क्या हो रहा है। बेशक इस बार पवन अरुणिता शो में नहीं पहुंचे, लेकिन उनकी कमी बिल्कुल नहीं खल रही है, बल्कि उनकी तरह इस शो में कंटेस्टेंट को लाया जा रहा है। उनकी स्टोरी दिखाने की कोशिश की जा रही है। पवन अरुणिता के रूप में चिराग काव्या ने एंट्री की। जी हाँ, पवन अरुणिता की तरह लव स्टोरी अब फिर से दिखाने की कोशिश की जा रही है। फर्क इतना है कि इस बार पवन अरुणिता की जगह चिराग और काव्या को लिया गया है। चिराग और काव्या ने दिवाली सेलिब्रेशन किया, इन दोनों पर काफी ज्यादा फोकस किया जा रहा। हर्ष और आदित्य बार बार दोनों के लिए कमेंट्स भी करते हैं और इनका मजाक भी बनवा रहे हैं। परफॉर्मेंस काव्या करती है, लेकिन हर्ष चिराग के पेरेंट्स से पूछते हैं कि उन्हें काव्या की परफॉर्मेंस कैसी लगी। इतना ही नहीं, हदें तो तब पार होती है जब चिराग के पेरेंट्स से पूछा जाता है कि वो कैसी बहू चाहते हैं, वो भी काव्या के सामने। चिराग के पेरेंट्स कहते हैं कि जो बेटे की पसंद होगी वो हमारी पसंद होगी। बात यहीं पर नहीं खत्म होती है। नेहा कक्कर को जब पता चला कि चिराग को कई लड़कियां रिजेक्ट कर चुकी हैं, तो उन्होंने सबके सामने चिराग से पूछ ही लिया कि उन्हें आखिर लड़कियां रिजेक्ट क्यों करती हैं और यहां पर किसी ने रिजेक्ट किया है। तो चिराग बताते हैं कि हमारे ही कंटेस्टेंट में से एक लड़की है जो उन्हें रिजेक्ट कर चुकी है। अब ये बात सुनकर सबके होश उड़ गए और नेहा कक्कर पूरी बात की खाल निकाल लेती हैं। नेहा कक्कर को जब उस कंटेस्टेंट के बारे में पता नहीं चल जाता, तब तक वो चुप नहीं बैठती है। नेहा कक्कर ने पूछ लिया कि वो कौन सी कंटेस्टेंट है जिसने तुम्हारा दिल तोड़ा। चिराग नाम नहीं बता रहे थे, लेकिन बाद में उन्हें काव्या का नाम लेना ही पड़ा। हालांकि काव्या और चिराग की स्टोरी को पवन अरुणिता की तरह दिखाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन शायद काव्या और चिराग पवन अरुणिता नहीं बन पा रहे। आप क्या कहना चाहेंगे इस नई जोड़ी के बारे में कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। क्या काव्या और चिराग पवन अरुणिता बन पाएंगे?